नेक्स्ट आगे टेंशन स्टार्ट करेंगे, माइनस टू माइनस वन ओवर थ्री आयोटा क्यूब। ठीक है, ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, पहले हमने इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता है। अब ए की वैल्यू जो है माइनस टू के इक्वल है और बी जो है वन ओवर थ्री आयोटा के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू फिल करें, ए की जगह पे माइनस थ्री बी माइनस टू सॉरी और बी की जगह पे वन ओवर थ्री एयोटा, फिर से सेम ए की जगह पे बी की जगह पे वैल्यू, देन ए और बी की जगह पे वैल्यू जो है फिल करें। अब माइनस टू क्यूब का आंसर माइनस एट, इसको सॉल्व किया माइनस वन ओवर ट्वेंटी सेवन एयोटा क्यूब, देन थ्री सेम टू टू द फोर, देन ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, ये भी टर्म सेम, इनको टू टू टाइम ओपन करके हमने लिखा। ठीक है, अब फिर से कटिंग वगैरह की, थ्री से थ्री कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, आई स्केयर को ब्रेक, आई क्यूब को ब्रेक करके आई स्केयर इंटू आई में लिखा, देन ये टर्म सेम, माइनस एट माइनस वन ओवर ट्वेंटी सेवन एयोटा स्केयर माइनस वन, आई की वैल्यू सेम, माइनस फोर एयोटा माइनस टू ओवर थ्री और एयोटा स्केयर की जगह पे माइनस वन। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन करने से एयोटा वाले टर्म और रियल पार्ट को, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लिया। रियल और रियल पार्ट दोनों का हमने लिया एलसीएम और इमेजिनरी पार्ट वाले टर्म का भी लिया एलसीएम। सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर आ गया, जस्ट कैलकुलेशन है, इजी वे से आप लोग कैलकुलेशन जो है कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आ गया माइनस ट्वेंटी टू ओवर थ्री माइनस वन हंड्रेड सेवन एयोटा ओवर ट्वेंटी सेवन। ठीक है, इसके साथ जो है हमारा टेंथ सम है कंप्लीट हो गया।